नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड। मैं हूं श्वेता वर्मा। आज धनतेरस का त्योहार है और आज के दिन लोग बर्तन, सोने चांदी की वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी के साथ भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। हम बात करने जा रहे हैं कि आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन आपको किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए और किस चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर स्टील, एल्युमिनियम, लोहा, प्लास्टिक, कांच और चीनी की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। आप आज के दिन सोना खरीद सकते हैं। सबसे शुभ और सबसे श्रेष्ठ धातु सोना ही मानी गई है। चांदी सबसे शांत और शीतल और पवित्र धातु है। अगर सोना लेना संभव नहीं है तो चांदी को प्राथमिकता दे सकते हैं। अगर सोना और चांदी दोनों ही लेना संभव नहीं है तो पीतल तीसरी सबसे अच्छी धातु मानी गई है। अगर पीतल भी आप नहीं ले पा रहे हैं तो तांबे की वस्तुएं या बर्तन ला सकते हैं। आप इस दिन कांसे की सजावटी वस्तुएं या बर्तन भी ले सकते हैं। अगर आप खरीदने की इतनी भी क्षमता नहीं रखते हैं तो निराश ना होइए। मिट्टी इन सब में सबसे अधिक सस्ती और सबसे अधिक शुभ व पवित्र मानी गई है। आप मिट्टी से बनी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। अब बात करते हैं कि आज के दिन आपको खास क्या करना चाहिए। इस दिन अपने घर की सफाई अवश्य करें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी व अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें और मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव उत्तराखंड। नमस्कार।